अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई एम आयशा एंड माय चैनल इज आयशा'स ब्यूटी विद नेचुरल रेमेडीज। टुडे इज माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल, आई होप यू विल लाइक इट। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंस्टेंट ग्लोइंग मास्क। जैसा कि ग्लोइंग और वाइटनिंग इफेक्ट तो हम सबको चाहिए होता है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं अपनी अमेजिंग रेमेडी की तरफ कि उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। उसके लिए हमें चाहिए व्हाइट फ्लावर यानी कि मैदा, एलमंड पाउडर 2 टेबलस्पून, और व्हाइट फ्लावर भी हमें 2 टेबलस्पून ही चाहिए, बेकिंग सोडा 2 पिंच, रोज वाटर हमें चाहिए 1 टेबलस्पून, और पोटैटो जूस चाहिए हमें 2 टेबलस्पून। तो चलिए अब इन सब चीजों की बेनिफिट्स और प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं कि हमारी स्किन पे कैसे वर्क करेंगी। जैसा कि व्हाइट फ्लावर मैदा हमारी स्किन को टू टोन बेटर करता है, हमारी स्किन को फ्लॉलेस बनाता है और ग्लोइंग इफेक्ट देता है। एलमंड हमारी स्किन को स्मूथ करता है, हमारी एजिंग इफेक्ट को दूर करता है, हमारी पिगमेंटेशन को दूर करता है और हमारे एक्ने, व्हाइट हेड एंड ब्लैक हेड्स को ट्रीट करता है। लेट्स टॉक अबाउट बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हैज पावरफुल प्रॉपर्टीज फॉर एक्ने स्कार्स, हमारी स्किन को फ्लॉलेस बनाता है, व्हाइटनिंग के लिए भी बहुत अमेजिंग है। इसे हम वीक में ट्वाइस यूज कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पोटैटोस के बारे में। पोटैटोस हैज मेनी एंजाइम्स जो हमारे डार्क स्पॉट्स, ब्लेमिशेस, एक्ने स्कार्स, फैकल्स, डार्क स्पॉट्स को दूर करने में बहुत मदद करते हैं। पोटैटो में बहुत हाई पोटेशियम होता है जो हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज करता है और ये व्हाइटनिंग के लिए भी बहुत इफेक्टिव है। तो चलिए अब चलते हैं अपनी रेमेडी की तरफ। अब हम इन सब चीजों को मिक्स कर लेंगे। बेकिंग सोडा के हम 2 पिंच लेंगे और 2 टेबलस्पून ऑफ पोटैटो जूस। और जिन लोगों की स्किन एक्स्ट्रा ड्राई और पैची हो वो इसमें मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। वैसे तो रोज वाटर हमारे पीएच लेवल को बैलेंस कर देता है, लेकिन कुछ लोगों की बहुत ड्राई एंड पैची स्किन होती है, वो इसमें मिल्क या हनी ऐड कर सकते हैं तो फिर उनकी स्किन ड्राई नहीं होगी। अब हम इसको पेस्ट लाइक मिक्सचर बना लेते हैं ताकि इजीली लग जाए। अब इस मास्क को मैं आपको एक हाथ में एप्लीकेशन करके बताऊंगी अपर डायरेक्शन में। यू कैन यूज अ ब्रश और यू कैन यूज योर हैंड्स, इट्स अप टू यू। ये देखिए अपर डायरेक्शन में प्रॉपरली आपको एक हाथ पे लगा के दिखा रही हूँ ताकि आपको इसका डिफरेंस नजर आए। अब मेरे हाथ पे लग चुके, ये देखिए। अब हम इसे 10 टू 15 मिनट्स के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। सो व्यूअर्स, इट्स ऑलमोस्ट 10 मिनट्स और मेरा मास्क ड्राई हो चुका है। अब हम इसे अपने एक हाथ की फिंगर टिप्स को लुकुम वाटर से वेट करेंगे और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज करेंगे वेरी जेंटली फॉर 1 मिनट।
और अब हम इसे वॉश ऑफ कर लेंगे. सो व्यूअर्स, मैंने अपना हाथ वॉश ऑफ कर लिए. आप डिफरेंस देख सकते हैं कि कितनी चमक आ गई है, ये देखिए. इसके बाद आप अपना कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर यूज़ कर लीजिए और स्टार्टिंग में आप इसे वीक में 3 दफ़ा यूज़ कीजिए. इट्स माय पर्सनल रेमेडी, मैं इसे 2 वीक यूज़ करती हूँ. आप इसे ट्राई करके देखिएगा, आपको भी अच्छी लगेगी. अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा. कॉमेंट देके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेमेडी कैसी लगी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़.